क्लास 10 के फिजिक्स में 2024 के लिए अभी भी आई, आप लोग को बता दिया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का क्या है? परावर्तन। प्रकाश का क्या है? परावर्तन। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रकाश का क्या है? ये परावर्तन। एक नंबर प्रश्न लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? इसके इसमें इसके नियमों को लिखो। इसके नियमों को आप लोग सबसे पहले लिखिएगा, प्रकाश का परावर्तन जब किसी प्रकाश के किरण जब किसी प्रकाश के किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ऐसा कर लिया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नोट कर लीजिए।
आता दर्पण के अवतल दर्पण के उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग लिखे अवतल दर्पण का उपयोग लिखे अवतल दर्पण के निम्न लिखित उपयोग एक अजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगी डॉक्टर द्वारा रोगी को का नाम और गला गला जांचने जांचने में दिया जाता है बड़े बड़े सौ भर्तियों में उष्मा ऊर्जा एकत्रित करने के लिए किया जाता अगला क्वेश्चन फिलहाल खून क्या है यह स्थिति में प्रकार के प्रकाश के
gobierno que estamos durante junio. Ya, tengo un parcar que no tengo. Tiene parcar con usted, tiene parcar. आप सारे के पहुंच दो आप सारे किरण पहुंच समानांतर किरण पहुंच आतन दर्पण और उत्तर दर्पण में क्या अंतर है? आपका दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब इसका इसका बाहर वाला भाग
इसका बाहर वाला भाग को कलाई किया जाता है। इसके अंदर वाले भाग को कलाई किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट इत्यादि में किया जाता है। हम लोग खाता तो नहीं लेते हैं पैसा, वास्तविक प्रतिलिपि और आभासी प्रतिलिपि में और यहाँ तो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
वस्तु के अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।